हाय नमस्ते, आप सबको मेरा YouTube चैनल द सिद्धार्थ ब्लॉग पे स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं एक रेस्क्यू के लिए। ये वीडियो दो तीन भाग में होगा, आपको मालूम चल ही जाए। सर, अपना बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। मैं वर्ल्ड केयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो इधर ही जो हम लोग का दो नंबर गोलाई जो नर्सरी है मस्जिद के पास, तो उधर ही मस्जिद के जो बाउंड्री है उधर ही काफ़ी दिन से किंग कोबरा नज़र में आ रहा है। तो इधर गए, लोगों ने मुझे कॉल किया, किंग कोबरा एक निकलता है, फिर वो बम्बू का बड़ा सा झुंड है उसमें घुस जाता है। तो आज फिर निकला हुआ है, वही आए हैं हम लोग रेस्क्यू करने के लिए। देखते हैं अभी जाके। और इस रेस्क्यू में सर, और एक इस रेस्क्यू में कोई टाइम टेबल नहीं होता, नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है, रात का 2 बजे या सुबह मॉर्निंग में कभी बिस्तर पे रहते समय मुंह नहीं धो के भी हम लोग पहुँचते हैं रेस्क्यू में, उस टाइप का भी होता है। अभी जो नेक्स्ट सीजन जो इसने का पार हुआ, इसमें इस साल मैंने 3-4 किंग कोबरा रेस्क्यू किया है, तो उसका वीडियो भी भाई ने लिया हुआ है, तो वो भी आपको इसी के साथ भेंट करके आपको दिखाया जाएगा। तो सर जो बोल रहे हैं वो बात आप फॉलो कीजिएगा और देख लीजिएगा किस तरीके से ये लोग लाइव रेस्क्यू करते हैं, आपको दिखाई देगा पहली बार, वो भी किंग कोबरा। चलिए, ये सारा का सारा वीडियो आपको लाइव मिल रहा है, यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ के लोग अभी दिखा रहे हैं कुछ वीडियो क्या था, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जैसे तो पूरा समझ नहीं रहे यहाँ पे। अभी यहाँ के लोग अभी इसे हटा रहे हैं जंगल को, ये आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ के जो बाशिंदा है ये लोग अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे छुपा हुआ है, इस जगह पे शायद छुपा हुआ, जैसे साफ कर रहे हैं। किंग कोबरा भी निकल के इधर धूप सेक रहा था, तो अभी आधा घंटा से इधर का इंसान आदमी लोग रुका हुआ है। तो किंग कोबरा बोल रहा है ये जो वाल दिख रहा है वो वाल के नीचे से इधर पार होके इधर ही कहीं है, तो ये जबड़ा को हटा रहे हैं। देखते हैं अभी आप लोग कर रहे थे सक्सेस होता है कि नहीं, अभी मिलने का बाद ही पता चलेगा। अभी जो आप देख रहे हो वो स्नेक अभी नहीं मिल रहा है, मतलब इधर में कहीं पे है यहाँ के लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ पे छुपा हुआ है उसमें यहाँ पे अभी साफ सफाई चल रहा है, वो यहीं पे कहीं पे छुपा हुआ है। द नेक्स्ट डे, आज को सेकेंड डे है, सेकेंड डे में हम लोग रेस्क्यू करने जा रहे हैं। कल को आया था, कल का वीडियो नहीं बना। तो कल हम लोग आए थे, आपको मालूम है ड्रेस चेंज भी पूरा चेंज हो गया, उनका भी ड्रेस चेंज हो गया। कल को हम लोग आए हुए थे तो कल को नहीं मिला था, तो अभी अचानक ये किंग कोबरा है, ये अपना मर्जी से निकलता है, तो इसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं भैया, सही है ना? अभी मिला है, कल तो निकला था। ये जो मस्जिद है अभी हम लोग मस्जिद के ऊपर खड़े हैं, तो मस्जिद के पीछे कल था किंग कोबरा, तो आज ये वाल है, वाल का इस साइड आ गया है तो किंग कोबरा। अभी वो जो बम्बू रखा हुआ है उधर ही अभी हम देखें, उधर ही घुसा हुआ है, चलते हैं देखते हैं रेस्क्यू करते हैं। ये जो रेस्क्यू होगा ना ये लाइव होने वाला है, यहाँ पे कोई एडिट नहीं होने वाला, ठीक है? आप पूरा लाइव देखने वाले हैं इसे। यहाँ के लोग सब कल के थे, यहाँ के मेंबर हैं मस्जिद के, तो ये पूरे के पूरे लाइव है। लोकेशन रिक्शी है क्योंकि ये किंग कोबरा है, तो इसका डसन भी, तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो बी केयरफुल। हम लोगों ने पूरा ट्राई किया इसमें सर्च करने के लिए उसने कहाँ में, पर हमें मिला नहीं, ठीक है? तो हमारे जो रेस्क्यू के जो फारूक अली हैं उन्होंने भी बहुत जिद्दोजहद कोशिश किया, उनकी पूरी टीम ने कोशिश किया है। कल का कुछ आ गया तो हम लोग फिर से आ जाएंगे, ठीक है? मतलब निकलने का तो श्योर है, निकलेगा श्योर है, पर क्या कहें, कल को आते हैं। इस एरिया में वो जो बम्बू का पेड़ सब देख रहा है, इधर ही आपका किंग कोबरा ये अपना घर बना के बैठा हुआ था। तो 5 दिन में सक्सेस नहीं हुआ, 6ठा दिन है, आज जाके सक्सेस हुआ, आज रेस्क्यू हो गया है। तो ले लेकर के 8-10 फीट साइज का किंग कोबरा है, तो इसको हम लोग ले जाके जो नज़दीकी जो रिजर्व है उधर ही हम लोग रिलीज कर देंगे।
ओके आप एक बार इधर का लोकेशन दिखा दीजिए। ये ऊपर जाने दो। Many months later. हेलो हाय नमस्ते, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल द सिद्धार्थ ब्लॉग पे स्वागत है। आज का वीडियो एक जबरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि मेरा साथ में है फारूक अली। तो वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं मैं आपको डिटेल्स में बोलूंगा। अगर मैंने आपको अभी बोल दिया तो उसका कुछ मजा नहीं रहेगा इस वीडियो का। तो मेरा साथ में है फारूक अली, उनका टीम है पूरा, तो वो अब निकल रहे हैं। हेलो फारूक।
हेलो भाई, नमस्ते। बहुत दिन बाद इनसे मुलाकात हुआ है। आज हम लोग एक किंग कोबरा रिलीज में आया है, तो अभी किंग कोबरा गाड़ी में ही है, तो निकाल के रिलीज करेंगे, वो लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को। मतलब अभी जस्ट आपको एक ट्रेलर में मुझे हेल्प किया, तो तब से मेरा सांप के प्रति इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद कहीं से भी हम लोगों के पास कॉल आता है तो हम लोग जाके सांप को रिलीज़ करता है। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, रात का 2 बजे भी कॉल आता है, कभी 3 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी सुबह आ जाता है, कभी सोया रहता है, मुँह में पानी दे के दौड़ना पड़ता है, तो उस टाइप का बहुत आ जाता है कॉल। और आपका ये कहाँ कहाँ से कॉल आता है? कुछ मैंने कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, जहाँ से भी आपको फोन आ सकता है, कहीं से भी, अगर इंडिया का कहीं कोना से भी या असम का कहीं कोना से भी अगर मेरा नंबर है या किसी का भी नंबर है, कोई भी रेस्क्यूअर का, सब जगह आजकल रेस्क्यूअर वाइल्ड लाइफ को लेकर भी इतना जागरूक हो गया, सब जगह एक एक रेस्क्यूअर रहती ही है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ही आप पकड़ लीजिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी रेस्क्यूअर को फ़ोन करता है, अगर पकड़ लीजिए मुझे फ़ोन किया, पकड़ लीजिए गुवाहाटी में एक रेस्क्यूअर, तो मैं इधर से उधर कांटेक्ट आप लोगों को करा दूंगा, तो उधर का जो रेस्क्यूअर है वो आपके घर में जाके जो भी स्नेक घुसा हुआ है उसको रेस्क्यू कर सकता है। आजकल ज़्यादातर ऐसा हो रहा है पब्लिक में, मतलब कहीं भी स्नेक देख दिया, कहीं पर हरिन देख दिया, एक बाघ देख दिया, तो लोग मार देते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हो? अभी जो नया प्रजन में जो आ रहा है ना, तो आगे का ये क्या था, चलो शिकार कर रहा है, ये कर रहा है, तो कोई सिस्टमेटिक नहीं था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है पहले से, रूल रेगुलेशन बहुत गाइड हो रहा है, टाइट हुआ है, तो ये हिसाब से क्या हो गया, कहीं भी अगर कोई शिकार करता है तो उसका ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ ही साथ एक्शन लेता है, और जितना हिसाब से अभी सांप के खतरे में, सांप के खतरे में क्या है, आदमी के माइंड में एक नेगेटिव घुसा हुआ है, जबकि सांप देखो जहरीला है कि नहीं है, सिर्फ मारो मारो, तो वो जिनिस हम लोग जितना सकते हैं, हम लोग गांव-गांव में जाके या कहीं भी स्कूल में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तो सांप के प्रति जो जागरूक है, कौन सा सांप कैसा है, नॉन वेनमस है या वेनमस है, प्लस सांप को क्यों नहीं मारना चाहिए, और सांप का अगर बाइट होता है तो बाइट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना है, जो झाड़ फूँक ज़्यादातर पब्लिक को हम लोग देखते हैं, अगर स्नेक बाइट हुआ तो वो लोग झाड़ फूँक में ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, तो वैसा में क्या होता है, टाइम लॉस होता है, अगर कोई भी वेनमस स्नेक का बाइट किया है तो उसमें जब झाड़ फूँक में पकड़ लो आधा एक घंटा लॉस, तो लास्ट टाइम में जब उसका सिम्टम बॉडी में फैल जाता है तो उस टाइम वो हॉस्पिटल जाता है, तो डॉक्टर उस टाइम बचा नहीं सकता है, तो उस टाइम क्या होता है, पब्लिक
डॉक्टर को दोषी ठहराता है तो वो गलत है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर स्नेक बाइट हुआ है तो झाड़ फूक का धंधा में ना जाके सीधा हॉस्पिटल जाना बेटर होगा। आप जिस राज्य से, जिस स्टेट से, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसके नज़दीकी जो सरकारी हो या बेसरकारी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वहाँ पे आपको जाना है। मतलब तो डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटीवेनम रहता है भी नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हॉस्पिटल होता है उसमें जाना ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? अब अगर आप सामने का कोई भी डिस्पेंसरी में जाएगा उधर भी जाना एक माने क्या टाइम लॉस करने का बराबर है। तो जहाँ एंटीवेनम पाया जाता है उधर ही जाके ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो आदमी जो अभी जो आपको जो कैमरा का सामने जो बोल रहे हैं ये सिर्फ दो दिन का नॉलेज नहीं है इनका। अभी आपने कहा है कि मतलब 2004 में तो बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हो तो इस दुनिया पे आए भी नहीं थे, सही है ना? तो इनका बात आपको ज़रूरी मानना है क्योंकि और भी आगे भी मैं इनका बहुत सारा वीडियो में दिखाऊंगा आपको अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव रेस्क्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इन लोग अपने जान को जोखिम में डाल के, इनकी पूरी टीम है ये देख सकते हो, अपने गाड़ी है, टीम है, तो ये लोग टीम लेके कैसे आप लोगों की सुरक्षा करते हैं, इस नेचर की सुरक्षा करते हैं, तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी आपने जो क्लिप सब देखा है वो पहले का क्लिप है, अभी का क्लिप है, वो मिला के मैं आपको देने वाला हूँ। सर आपका डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो अगर व्हाट्सएप यूट्यूब है तो यूट्यूब में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, फिर भी आप बोल दीजिए। चलो मेरा तो यूट्यूब चैनल नहीं है फिर भी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 9101450746। अगर ये नंबर पे आपको कहीं भी कभी भी अगर प्रॉब्लम होता है स्नेक बोल के नहीं, कोई भी एनिमल अगर प्रॉब्लम में है, हम लोग एनिमल का प्रोटेक्ट करते हैं, अगर इंजर्ड है कोई भी बर्ड्स हो या डियर हो या सांप हो कुछ भी, तो हम लोग को कॉल कर सकते हैं, हम लोग जाके उधर से रेस्क्यू करके अगर बेटर से बेटर ट्रीटमेंट देना है तो हम लोग उसको दे के बचाने का ट्राई करते हैं। अभी जो आपने जो नंबर कहा है वो नंबर व्हाट्सएप में वो मेरा व्हाट्सएप भी है, अगर कोई वीडियो भेजा आपको मतलब यहाँ पे ये स्नेक है वो है तो वो वीडियो आप लोग देख के हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर देता है। और एक बात, खास बात, अगर कहीं भी स्नेक बाइट होता है तो डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत जरूरी है। और जानते समय आप लोग जो भी, मैं बोल के नहीं, कोई भी सामने का नज़दीक का जो भी रेस्क्यूअर है तो एक बार अगर वो स्नेक जिसने बाइट किया वो स्नेक का फोटो आप वो रेस्क्यूअर को भेजो तो उससे आपका सुविधा क्या होगा, अगर जो स्नेक बाइट किया है तो वो स्नेक का आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हॉस्पिटल में जाने से डॉक्टर को भी आप बोल सके कि हाँ ये स्नेक हमको काटा है, बाइट हुआ है, सही तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने में आपका बहुत हेल्प होगा। सही, आप लोग जो इतना मेहनत करते हो तो इसका कुछ फल आपको मतलब मिलता है या आज तक तो नहीं मिला, तो उम्मीद है ना आप लोगों को, कहीं से भी कुछ हेल्प आज तक नहीं मिला है हम लोगों को। अच्छा। और जो भी करते हैं हम लोग एक्चुअली एडिक्टेड है, एडिक्टेड जितना भी आप कहीं भी देख लो इंडिया या आसाम का कहीं का लेवल का भी जितना भी रेस्क्यूअर है आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ का ये में काम करता है ना वो फुल्ली एडिक्टेड होता है, वो रुपया का लिए सोच के काम नहीं करता, जहाँ मुझे पैसा मिलेगा मैं करूँगा वो बोल के नहीं, अभी मैं ये स्नेक छोड़ने आया पूरा मेरा गाड़ी का तेल जला है सब, मुझे एक रुपया का इसका टीम भी है, टीम से भी तो आपसे मिलना है, सब अपना खुद का मेरा बिजनेस है तो वो बिजनेस में टाइम छोड़ के अपना टाइम लॉस करके मैं वाइल्ड लाइफ को टाइम देता हूँ, तो एक करके मन को सुकून मिलता है, तो अच्छा लगता है। सुकून में भी अगर भगवान का आशीर्वाद से कुछ ऊपर वाला कुछ दे दिया तो उसमें क्या खराब बात है, तो मिलेगा तो और हम डेवलप करने के डेवलप राइट। और अगर कोई बंदा चाहता है अगर हमारा साथ रह के रेस्क्यू में वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट देना तो हम लोग बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया सर ने, मतलब आप लोग मतलब ट्रेनिंग भी दोगे यहाँ पे? हाँ ट्रेनिंग भी, अगर कोई चाहता है इंटरेस्टेड है तो हम लोग उसको अपने साथ रख के प्रैक्टिकली हम लोग सिखाएंगे, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल जो है टोटली हम लोग पूरा सिखाएंगे। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग वेलकम करते हैं। तो सर लास्ट में एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर फिर से बोल दीजिए ऑडियंस। 9101450746। ओके थैंक यू। और आपका व्हाट्सएप नंबर भी यही है? हाँ यही। तो सर से हम लोग फिर मिलते हैं, एक अच्छा एक वीडियो बना है ये, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नया आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और भाई को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है? इनका पूरा टीम है और आप लोग रेस्क्यू के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो इनका नंबर इनका डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जरूर दे दूँगा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। ओके।